भी आप देख सकते हैं, नगाड़े वगैरह भी बज रहे हैं, लेकिन ये माहौल शुरू हो गया है जश्न का। प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। 295 जो राहुल जी ने बोला है ना, सरकार कांग्रेस की बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इलेक्शन कमीशन से मिले हुए हैं, हरवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए काउंटिंग सोलिंग हो रही है, सोलो हो रही है और रोका जा रहा है काउंटिंग को। उत्तर प्रदेश होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश ने पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का खात्मा करने का काम किया है। काउंटिंग कर दिया है धीमा, क्योंकि मोदी का जब्त हो गया है बीमा। स्मृति ईरानी का हारना ये बहुत बड़ा महिलाओं की जीत है, जो आज प्रज्वल रमन्ना के ऊपर एक शब्द स्मृति ईरानी ने नहीं उठाया। सिलेंडर फट गया, स्मृति ईरानी के सिलेंडर फट गया और बिना टिकट जा रही है बीजेपी से, टिकट भी नहीं मिलेगी उनको। जा रही है। देश की जनता ने भी बताया है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। AICC में इस वक्त मेरी मौजूदगी और आप माहौल देख सकते हैं चारों तरफ। अभी यहाँ पर कुछ देर पहले ढोल नगाड़े भी बज रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार से वोट मिल रहा है विपक्ष को, यानी कि गठबंधन को, उसे बेहद खुश तमाम लोग हैं। चलिए एक एक करके बात करना चाहेंगे। क्या कहेंगे? हरवाने के लिए काउंटिंग सोलो करवा रहे हैं मोदी। इलेक्शन कमीशन से मिले हुए हैं, हरवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए काउंटिंग सोलिंग हो रही है, सोलो हो रही है और रोका जा रहा है काउंटिंग को। लेकिन अभी का माहौल कैसा लग रहा है? ये है कि राहुल की मेहनत और कार्यकर्ताओं की मेहनत काम आ गई है और देश के भविष्य के लिए ये मोदी जी अच्छा नहीं कर रहे हैं, जो काउंटिंग सोलिंग सोलो करवा के हर जीत को हार में बदल रहे हैं हम लोगों को। क्या कह रहे थे आप? अभी शाम तक वेट करो। 295 जो राहुल जी ने बोला है ना, सरकार कांग्रेस की बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। और रही बात ये जो इलेक्शन ऑफिस है ना, मोदी ने प्रेशर डाल रखा है, अमित शाह ने प्रेशर डाल रखा है कि भाई इनको बोखलाट में ये चीज चलती रहे, यही चीज हो। बाकी इंडिया गठबंधन जीत चुका है, इंडिया गठबंधन जीत चुका है। कुछ जगह 90 से ज्यादा सीटों की जगह है ना, 1500 की बढ़त है, उसमें क्या कर रखा हो इन्होंने, रोक रखी है वो सारी सीटें। नहीं तो 90 सीटें और आ जाए तो देख लो, अभी काउंटिंग करके देख लो, अब इस टाइम 241 है पूरा देश। एग्जिट पोल फेल हो गया, जो मोदी मीडिया का एग्जिट पोल था वो ध्वस्त हो गया, बिल्कुल ध्वस्त हो गया। और आने वाली सरकार अब इंडिया गठबंधन की सरकार है। क्या लगता है कौन पीएम बनेगा अगर गठबंधन की सरकार बनेगी तो? ये सिर्फ मुझे लगता है कि हमारी मुद्दों की लड़ाई थी और उन मुद्दों में हम जीत गए। पीएम कांग्रेस पार्टी में बहुत पुराने चेहरे भी हैं और हम मानते हैं कि जो झूठ की वजह से देश चल रहा था, हम उससे छुटकारा पाना है। सबसे पहले इस तानाशाह सरकार से बचना था और आज विजय प्राप्त हुई है, जैसा आपने देखा भी है। और इंडिया भी आगे चल रही है गठबंधन से। ये देखिए, जो भी आपने देखा होगा कल से एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है किस तरीके से ये झूठ बोल के एग्जिट पोल्स का इन्होंने यूज किया था। कहां 400 पार के शुरू में इन्होंने नारा किया था, वो सिर्फ एक ही चीज था, उसका रीजन एक ही था कि हम किस तरीके से ईवीएम के साथ या किसी भी तरीके से लोगों के ऊपर प्रेशर बना के कि जीतेगी तो बीजेपी ही, लेकिन वो प्रेशर चला नहीं। लोगों को समझ में आ गया था, उनके भाषण सुन सुन के लोग इतने परेशान हो गए थे कि इतना झूठ पकड़ा गया था। हार की वजह क्या लग रही है? जिस प्रकार से 400 पार तो नहीं आ रहे, लेकिन 300 पार भी नहीं हो पा रहा मुकाबला। ये जितना भी इन्होंने बुरा किया इस देश के लिए, देश को बेच डाला है, जितना भी युवाओं को परेशान किया है, किसानों को, हमारे नौजवानों को जो हमारे फौज में लोग हमारे लिए काम करते हैं, बहुत सब लोगों को परेशान किया है। आप भी इस कैटेगरी में आते हैं जहाँ की न्यूज को भी खरीदा जाता है और उनको भी झूठ न्यूज दिखानी पड़ जाती है, तो वो सारी चीजें उन सबका कंक्लूजन हो गए। देखिए, जिस तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव मीडिया ने बनाने का काम किया था, देश की जनता ने एग्जैक्ट पोल में ये बता दिया है, वाकई में इंडिया गठबंधन ने मुद्दों पे चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी मंगलसूत्र मुजरा के नाम पे चुनाव लड़ा। आज देश की जनता, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे जो लोग हो, जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया, आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश ने पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का खात्मा करने का काम किया है और इंडिया अलायंस की सरकार पूरे देश में जिस तरीके से तमाम अपार समर्थन के जरिए इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। देश के प्रधानमंत्री को मैं बताना चाहता हूं, आप जाके बनारस देख लीजिए, मैं बनारस में प्रचार किया, अमेठी में स्मृति ईरानी जी जो पैरासूट के जरिए अमेठी गई थी, उनको अमेठी की जनता ने पैरासूट के जरिए भेजने का काम किया। पत्रकार महोदया, आज तमाम ऐसे बड़े बड़े एंकर कमरों के नीचे छुपे हुए हैं, जो लोग कहते थे बीजेपी 400 पार है, अरे बीजेपी 200 भी पार नहीं होगी। अगर है हिम्मत
तो वाकई में कहीं ना कहीं काउंटिंग जिस तरीके से स्लो कराया गया है, आज ये पूरी तरीके से धांधलेबाजी करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के एक एक बप्पर शेर, भारतीय जनता पार्टी की उस हेरा फेरी को मुंह तोड़ जवाब देना। काउंटिंग कर दिया है धीमा, क्योंकि मोदी का जब्त हो गया है बीमा। लगातार खबरें भी आ रही हैं कि कांग्रेस लगातार सवाल उठा रहा है, धीमा जब्त हो गया है मोदी जी का बीमा। अब क्या लग रहा है काउंटिंग धीमे पे सवाल उठाए? सवाल तो उठेगा ही, चोर पे हमेशा सवाल उठता है। ये थे काउंटिंग धीमा करके ही तो पिछली बार सरकार को स्मृति ईरानी का हारना ये बहुत बड़ा महिलाओं की जीत है, जो आज प्रज्वल रबन्ना के ऊपर एक शब्द स्मृति ईरानी ने नहीं उठाया। गैस सिलेंडर लेकर के सड़कों पे बैठ जाती थी, आज महंगाई चरम सीमा पे, आज स्मृति ईरानी कहाँ है? स्मृति ईरानी ने महिलाओं के बेइज्जती करी एक तरह से देखा जाए तो, महिलाओं को एक तरह से महिलाओं के लिए कोई ज्यादा अच्छा काम नहीं किया। सबसे बड़ा मैं अमेठी के बारे में कहना चाहता हूँ, अमेठी का जो सपना दिखाया था 5 साल में वो धूमिल हो गया। आज जनता उनको बिल्कुल वोट नहीं कर रही है, पूरी तरह हार गई वहाँ से, वहाँ से उन्हें छोड़ के भागना ही पड़ा। कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। सिलेंडर भी ले रखा है इन्होंने, देखिए अच्छे दिन 2022। ये देखिए सिलेंडर, मेरी बहन ये है ना, 2014 के अंदर आई थी बीजेपी, जब हमारे सत्ता दी थी उनको 415 रुपए सिलेंडर था। वो भाई साहब बीजेपी जब से आई है 700-800, आज हो गया 1100 रुपए का। तो जनता बहुत परेशान है, इंडिया एयरलाइंस की सरकार बनते ही 500 में सिलेंडर होगा, सिर्फ 500 रुपए में। ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे भाई साहब, सिलेंडर फट गया, स्मृति ईरानी के सिलेंडर फट गया, स्मृति ईरानी के सिलेंडर फट गई, स्मृति ईरानी का सिलेंडर फट गया। मैं मोहम्मद अकरम अंसारी बोल रहा हूँ, गुजरात में डांस करेगी ऐसे ऐसे जा करके। 12 रुपए किलो चीनी का जो वादा किया था अमेठी में स्मृति ईरानी ने, उसमें और चाय जो मोदी जी की चाय थी, चाय में जो मीठा 12 रुपए किलो का स्मृति जी डाल रही थी, वो अमेठी की जनता ने मीठा बाहर निकाल करके फीकी चाय पिला करके वापिस गुजरात भेजने का काम कर दिया, फिर किसी और का पति छीने वो। ये तो निजी हो गया, सीरियल में भी काम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सीरियल के लायक भी नहीं रही है और बिना टिकट जा रही है बीजेपी से, टिकट भी नहीं मिलेगी उनको। जा रही है शर्म से डूब मरना चाहिए कहीं। स्मृति ईरानी की जगह विधायक तय है, स्मृति ईरानी की इस बार विधायक तय है और अच्छे से तय है, उनको जाना ही जाना है, क्योंकि अमेठी की जनता ने उनको मौका तो दिया लेकिन वो काम नहीं कर पाई। अमेठी को जनता को धोखा दिया है, पूरी तरह से छला है और ठगा है, और आज ये जनता अमेठी की बता दिया कि हम बहकावे में आने वाले नहीं हैं। देश की जनता ने क्या बता दिया है? देश की जनता ने भी बताया है कि राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। नाचिए फिर, जश्न मनाइए। जश्न मन रहा है, सुबह से जश्न चल रहा है, कई दिनों तक चलेगा ये जश्न, ये जश्न खत्म नहीं होने वाला है, कई सालों तक चलेगा। बेरोजगारी, हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले जो है कि बेरोजगारी और महंगाई को दूर किया जाएगा, आप जैसे युवाओं को अच्छा से अच्छा जो है कि जॉब दिया जाएगा, और देखिए जो मीडिया है हर मीडिया को लेकर चला जाएगा, सबको लेकर चला जाएगा, कहीं किसी को दिक्कत नहीं आएगी। जो आम आदमी आज परेशान है, महंगाई जो है पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगी, वही सिलेंडर का दाम होगा 400 से 500, ठीक है? वही सिलेंडर, देखिए सिलेंडर भी आप देख सकते हैं, मोबाइल वगैरह भी बन रहे हैं, लेकिन ये माहौल शुरू हो गया है जश्न का। ये चुनाव देश की जनता लड़ रही थी, जो ये मोदी जी जो घमंड में चूर हो गई थी भारतीय जनता पार्टी, पूरे जो कांग्रेस ने, जब इस देश में एक सुई भी नहीं बनती थी तब कांग्रेस ने इस देश को संभाला और इस देश को बनाने का काम किया, लेकिन मोदी सरकार ने आते ही पूरे देश को बेचने का काम किया, इसलिए पूरी देश की जनता ने आज इनके घमंड को तोड़ने का काम किया और ये चुनाव पूरे देश के बच्चे बच्चे ने लड़ा है, और आज आप उसका परिणाम देख रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम से, तमाम अपने प्राइवेट माध्यमों से इन्होंने जो देश में एक भ्रामक स्थिति फैलाने का काम किया, उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। और इस समय जो स्लो वोटिंग हो रही है, ये भी देश की जनता समझ रही है, देश की जनता जान चुकी है कि ये कैसे लोग हैं जो केवल देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आज इनकी पोल खुल चुकी है और अब से कुछ ही समय के पश्चात इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और देश का कल्याण और उद्धार होने वाला है। देश का कल्याण और उद्धार होने वाला है।
मोहब्बत की जो दुकान खुली है ना, वो मोहब्बत की दुकान पूरे देश में चलेगी। मोहब्बत की दुकान, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? ये जो अहंकार था वो उसकी हार हुई है, और अभी देखना जब रिजल्ट अभी अगले एक घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के लिए भी जो है इधर उधर दरवाजे झांकने पड़ेंगे। वो लोग 400 पार की बातें कर रहे थे, 400 पार तो सुबह ही दूर हो गया था, और अब जो है उनका 272 का आंकड़े की भी लड़ाई चल रही है कि 272 आएंगे नहीं आएंगे। 400 पार का नारा ध्वस्त हो गया है, स्मृति ईरानी पर बवाल हो रहा है, क्योंकि स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल गांधी की किल्ली उड़ा रही थी, लेकिन अब आलम यह है कि वो खुद की सीट तक नहीं बचा पाई है। स्मृति ईरानी पर और स्लो वोटिंग पर भी दोनों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्लो वोटिंग जो लगातार हो रही है उस पर भी कांग्रेस का कहना है कि स्लो वोटिंग भी गड़बड़ी कर सकता है। इसलिए आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें अपनी राय बताना। मैं बोले कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा।